नमस्ते, हम हाईवेद, आप देखते हैं बी फिल्म्स डिजिटल मीडिया। आज हम आए भोजपुरी फिल्म अवार्ड 2019। हमारे साथ कौन है जान? अरे भोजपुरी में वही जो बहुत सारा कॉमेडी करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार, मैं रत्नेश बर्णवाल, आज भोजपुरी फिल्म अवार्ड में मैं आया हूँ। पहली बार 12 साल हो गया फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हुए और 14वां फिल्म अवार्ड है ना, तो पहली बार मुझे बुलाया गया, मैं आया हूँ। अच्छा, बहुत कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं। बहुत खुश हूँ मैं। अभी कितनी फिल्में हो गई, इन दिनों आप फिल्में नहीं कर रहे हैं, क्या बात है? अरे अभी इस साल बहुत कम फिल्म किया, जा सीरियल किया, वेब सीरीज काम किया मैं। इस साल फिल्म रिलीज हुई थी मेरा, मैं सुपर किंग डॉन हूँ। अभी अगले साल फिल्म रिलीज हो रही मेरा शंकर आ रहा है, नागरंगीन प्रेम कहानी आ रही है, अगले लग जा रहा है, रामराज आ रहा है, चार फिल्म रिलीज है मेरी। अच्छा, मतलब न्यू ईयर पे बड़ा धमाका करने वाले हैं। बस सब लोग का सुधार है कि अच्छा करते रहूँ मैं और फिल्म करते रहूँ मैं। ये अवार्ड विनोद जी कराते हैं, उनके लिए क्या कहने? बहुत अच्छी बात है, विनोद गुप्ता जी, उसको क्या बोलेंगे, प्रोत्साहन बोलेंगे, लोग को उमंग बोलेंगे, लोग में जो उमंग डालते हैं देते हैं वो होनी चाहिए, मिलनी चाहिए, क्योंकि ऐसे क्या बड़ा प्रेरणा स्रोत मिलता है कलाकारों को, सबको मिलता है। आपकी कितनी फिल्में नॉमिनेट हुई है इस बार लगता है? इस बार मुझे लगता नहीं हुई क्योंकि मैं सर बहुत कम फिल्म किया हूँ। अच्छा, ऐसे होता था बहुत में। तो सर ये तो बताइए, इस बार क्या लगता है आपको, कौन बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड लेकर जाएगा? मेरे लिए बेस्ट कॉमेडी है कि मुझे इस प्रोग्राम में मुझे आमंत्रित किया गया है, यही मेरे लिए बेस्ट कॉमेडी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर।